हेलो गाइस, अभी आप देख पा रहे हैं 15 मिनट का चार्ट बैंक निफ्टी के अंदर। और मैंने ये खोल रखा है 8 तारीख का, 8 सितंबर का, जिस दिन मैंने इस महीने एक बार ट्रेड ली हुई है। एक्चुअली मेरे को आपको अपडेट करना होता है कि मैंने प्रॉफिट किया लॉस किया, क्योंकि मेरे को बहुत सारे जने फॉलो कर रहे होते हैं और बहुत सारे जने मेरे को मैं कैसे काम कर रहा हूँ वो चीज़ देख के मेरे साथ काम करेंगे। तो मेरे को अपने आप को प्रूफ करना होता है, वो भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ टेलीग्राम के अंदर। तो मैं आपको प्रॉपर अपडेट कर देता हूँ, पर उस चीज़ की वीडियो बनानी कभी कभी रह जाती है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो अभी तो मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ संडे के दिन, अब तो मैं आपको अपने P&L में ट्रेड नहीं दिखा पाऊँगा, पोजिशन में ट्रेड नहीं दिखा पाऊँगा, पर P&L के अंदर मैं आपको वो ट्रेड दिखा दूँगा कि मैंने कैसे ट्रेड किया था। फिलहाल मैं दिखाता हूँ पहले आपको 8 तारीख की जो मैं ट्रेड ली थी, उस दिन था एक्सपायरी डे और मैंने महीने में केवल एक ही ट्रेड ली थी, तो उसके पीछे लॉजिक क्या था और कितने पॉइंट्स मैंने बुक किए वो आपको मैं दिखाऊंगा P&L के अंदर भी, ठीक है। फिलहाल ये 8 तारीख का चार्ट खुला हुआ है और इसको आप खुद भी जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए मार्केट ने गैप अप दिया और मार्केट ने एक अपर साइड मार्केट गया, होल्ड किया, फिर अपने रेजिस्टेंस को तोड़ा। जब यहाँ पर इसने तोड़ा तब मैंने यहाँ पर एक ट्रेड ले लिया। पर बात आती है इतना सिंपल लॉजिक, जी नहीं, ये तो लॉजिक था ही कि मार्केट ने रेजिस्टेंस को तोड़ा, पर उससे पहले मार्केट ने पूरे सितंबर से 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक मार्केट ने ऐसे ही प्राइस एक्शन बनाया और मार्केट धड़ाम से फिर नीचे आना शुरू कर दिया। तो ऐसे करके मार्केट ने सब ट्रेडर्स का माइंड वॉश किया। तो ऐसे में प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि जब मार्केट ऐसे करके ट्रेंडी हो जाए तो मार्केट के अंदर एक अच्छा ट्रेंड आता है, जो कि आया भी। पर गलती मैंने ये रही कि मैंने एक्सपायरी का ट्रेड किया, और मैंने जब यहाँ पर ट्रेड किया 12 बजे के आसपास, मार्केट ने देखो कितना अच्छे तरह से वॉलेटाइल हुआ है और लगभग लगभग 2 बजे तक मार्केट वॉलेटाइल ही रहा, तो मैंने केवल 22 अंक बुक किए। तो मैंने उसको उस चीज़ को एक्सप्लेन किया था टेलीग्राम के अंदर भी कि कोई बात नहीं, अगर आपको महीने में 2-3 ट्रेड ऐसी मिल जाती हैं जो आपकी कम से कम अच्छा मोमेंट दे दे, 5-6 ट्रेड अगर ऐसी चली जाएँ कि मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है और उसको आप देखते हैं कि मार्केट वहीं से नीचे आ रहा है, उसके बाद आप ट्रेड करते हैं, तो अगर आपको 2-3 ट्रेड भी ऐसी मिल जाती हैं तो आपका भला हो जाएगा, ठीक है। आपका महीने में अगर 300-400 पॉइंट मिलने हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि 200 पॉइंट भी मिलने हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इनफ है। बल्कि मेरा टारगेट ही 200 अंक का रहता है पूरे महीने में, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कैसे अपने 22 अंक बुक किए थे, ठीक है। मैं दिखाता हूँ ट्रेड के अंदर, मैं गया अपने P&L पे, ये कोई P&L नहीं है, केवल आपको ट्रेड दिखा रहा हूँ, ठीक है। P&L की वीडियो मैं ऑलरेडी डाल रखी है, जुलाई की भी अगस्त की भी, जगह वॉचआउट कर सकते हैं। इक्विटी को करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन, तारीख करते हैं 1 सितंबर से 11 सितंबर तक की। इसमें आपको दिख जाएगा कि हाँ मैंने कितने ट्रेड लिए हैं, आपको दिख पा रहा होगा, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखो 3019 के, मतलब कि 3190 का मैंने प्रॉफिट किया है, उसके अंदर 100 रुपये चार्जेस हैं, तो यहाँ पर मेरे को 3090 रुपये का ओवरऑल प्रॉफिट हुआ। और मैंने केवल यहाँ पर एक ट्रेड ली है, तो यहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा कि मैंने 40,000 की कॉल ली थी, जिसके अंदर 150 क्वांटिटी मैंने बाई की हुई थी, 168 पे लिया, 190 पे निकाल लिया, 22 पॉइंट्स बुक किए। तो ऐसे करके मैंने काम किया। तो यही लॉजिक था कि एक्सपायरी डे था, अगर वो एक्सपायरी डे नहीं होता तो मार्केट के अंदर मेरे को यही कम से कम 42 या 50 पॉइंट मिल जाता आराम से, ठीक है। और मैं थोड़ा सा और वेट करता तो मेरे को आराम से 100 पॉइंट मिल जाते, पर वही था कि मैं थोड़ा वेट नहीं कर पाया और ज़्यादा ही मार्केट वॉलेटाइल था उस दिन। तो यही अच्छा था कि मैं उस ट्रेड को एग्जिट कर दूँ, तो मेरे को इस बात का कोई पछतावा भी नहीं है और आराम से मैंने 22 पॉइंट बुक किए। अभी मार्केट बहुत दिन पड़े हैं, आराम से ट्रेड आएंगी, तो ऐसे करके मैंने लगभग 3,000 रुपये का प्रॉफिट बुक किया। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।